लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। छत्रपति मराठा सेवा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वीर शिवाजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। साथ ही इस दौरान भंडारे का आयोजन कर प्रसादी का वितरण किया गया। मालूम हो कि लगातार 5 वर्षों से राजधानी भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित बजरंग मार्केट में छत्रपति वीर शिवाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजन होता रहा है। आयोजक अनिश खान व समिति के अध्यक्ष रुपेश पाटिल ने बताया कि हम हर साल इस आयोजन को भव्य रूप से करते हैं। आज के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के नेता तपन भौमिक और भगत सिंह कुशवाहा ने शामिल होकर छत्रपति शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रसादी का वितरण किया। मालूम हो कि छत्रपति पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के स्थापक थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आयोजन किया है, बहुत अच्छा और सच्चा कार्य किया है। इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए, हमको आमंत्रित किया था और लगातार ये बताया कि 5 साल इनको हो गए, इतना पावन और पवित्र कार्य कर रहे हैं इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर। तो ऐसे कार्य करने वालों के लिए तो हम सब हमेशा तन मन धन और ये जीवन भी समर्पित है, इस भाव को लेकर चले। तो रुपेश जी का ऐसा आग्रह था, उसका तो आज उपस्थित हुआ। युवा का उल्टा करो तो वायु होता है और वायु का कोई वेग नहीं होता, और युवाओं के लिए तो हमेशा सतत अनवरत हम लगे रहते हैं। इस देश के प्राण है युवा, इस देश के लिए आन बान और शान युवा है। तो युवाओं के लिए तो हमसे हमेशा प्रेरणा बनी रहती है, और युवा इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उसके लिए हम हमेशा उनको प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसा है कांग्रेस से बौखला गई है, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पागलपन उनके ऊपर सवार हुआ है। और जो जी सित्या जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संख्या बल का भाई उनके विधायक है, इस्तीफा है। और जो है प्रदेश कार जो है अल्प कुछ विधायक वो बेंगलोर में, और लोग जो है उनको लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने वीडियो में देखा जाति साथ धक्का और एक पुलिस और घुसे दिए, लेकिन वो बेंगलोर है मध्य प्रदेश नहीं है। गौरव को भी लाभ मिले, बच में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, मध्य प्रदेश में जो की नीति है वो बच में कुल चल रहे हैं, तबादला ट्रांसफर किए जाओ, इकट्ठे किए जाओ, और दूसरी दुकान यहाँ छोड़ से चल रही है एक दारू की और रेत की, इसके अलावा चल नहीं रहा। उसे 16 तारीख को सिद्ध भारतीय जाति करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।